हेलो एवरीवन, टेस्टी किचन किंग में आपका स्वागत है। तो मैं आज यहाँ पे परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से परवल को यहाँ पे चारों तरफ से काट करके दोनों साइड से, और इसे अच्छे से छील लेंगे, और ज़्यादा नहीं छीलेंगे, बस इसे थोड़ा सा ऐसे ही चाकू की मदद से इसे कर लेंगे अच्छा सा। और ये सब्ज़ी ऐसा बनेगा कि ऐसा सब्ज़ी आप कभी नहीं बनाए होंगे, एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टोमेटो का यहाँ पे पेस्ट बना ली हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं काजू ली हूँ 5 से 7 यहाँ, और तल मखाना है यहाँ पे, दोनों को मैं अच्छा सा पेस्ट बना ली हूँ पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे अच्छे से हम परवल को धो लिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं धो लिए हैं। उसके बाद हम इसे काट रहे हैं, और जब काटेंगे तब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम पूरे तरह से अच्छे से नहीं काटेंगे, देखिए उसमें लगा ही है, तो मतलब दोनों साइड से अच्छा काटेंगे, ताकि इसमें जो फिलिंग करेंगे स्टफिंग वो अच्छा सा मतलब फील हो जाए। और पूरा नहीं काटना है, तभी इसमें जो स्टफिंग भरना है वो अच्छा सा भर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैं काटी हूँ, ऐसे ही काटना है। और यहाँ पे उसके बाद जो मैं टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाई थी अच्छे से, तो उसमें मैं यहाँ पे मसाला ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, यहाँ पे ब्लैक पेपर है, जीरा पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है, इन सबको मैं अच्छे से यहाँ पे मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कलर के लिए यहाँ पर डाला गया है, यहाँ पर जीरा पाउडर है, और यहाँ पे मैं हींग यूज़ कर रही हूँ। हींग का यूज आपको पता ही है कि ये मतलब पचाने में या मतलब पेट के लिए सही होता है, इसलिए ऐड किया जाता है, मतलब डाला जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं सॉल्ट डाली हूँ टेस्ट के अनुसार, और यहाँ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, इसमें हम लोग डाल दिए हैं, डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर मिला लिए हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे मैं पैन रख दी हूँ गरम होने के लिए कढ़ाई। उसके बाद इसमें हम तेल ऐड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं तेल अच्छे से हम लोग गरम होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली, यहाँ पे जीरा, इन सबको अच्छे से यहाँ पे, और गरम मसाला यहाँ पे लौंग, इलायची और दालचीनी का यहाँ पे टुकड़ा लिए थे, जो इन सबको अच्छे से यहाँ पे मतलब चटकने देंगे। चटकने के बाद इसमें हम जो मसाला को तैयार किए हैं उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ा बड़ा टुकड़ा जो था वही इसमें हम डाले हैं मसाले का, इससे फ्लेवर सब्ज़ी में अच्छा आता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, ऐसा सब्ज़ी बनेगा तो घर में सबको पसंद आएगा। ये कुछ नया अलग तरह का ये सब्ज़ी बना हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या किए हैं कि देन उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले को इसमें ऐड कर दी हूँ, और इसे अच्छे से हम लोग भूनेंगे जब तक इसे तेल ना छोड़ दे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनते रहेंगे, चलाते रहेंगे, नहीं तो चिपकने का ये डर है। तो इस तरह से इसे भूनेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे कितना अच्छा सा ये भून गया है। इसे 5 से 7 मिनट तक इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ही, ये भून करके इस तरह से हुआ है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम लोग इसे गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए इसे रख देंगे। उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तब हम लोग इसको स्टफिंग को भरेंगे परवल में। तो इस तरह से उसमें हम लोग स्पून की सहायता से इसमें भरेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें सारे परवल को इस तरह से मसाले को यहाँ पर भर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ। अगर स्पून से भरने में आपको परेशानी हो रही है तो आप हाथ से मदद से आप भर सकते हैं। तो मैं सारे परवल को यहाँ पे अच्छे से फिल कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं, तेल को हम लोग अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें सारे परवल को हम लोग डाल देंगे, और डाल करके इसे ढक देंगे। हम लोग ढक करके उलटते पुलटते इसे चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे इस तरह से, कि ताकि परवल सटे ना और इसकी मसाले की जो फिलिंग है वो जल सकती है। और इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सॉल्ट ऐड करके इसे हम भूनते रहेंगे। और जो बचा हुआ मसाला है मैं इसमें ऐड कर दी हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। तो आप ज़रूर इसे
तो आप इसे ज़रूर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, अच्छा लगता है, तो ये आप बना सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।